ज़्यारत मुस्तहब आमाल के लिए हुक्म है कि अपने वक्त के इमाम को हदीजा करें, तो आपने ये ज़्यारत भी मौला को हदीजा की है? बिल्कुल, दो रकात नमाज हदिया भी इमाम के दरगाह में जो है वो पेश किए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद दुआएं भी करेंगे और अमलन भी जो है, असल चीज़ जो है वो अमलन है। जब तक हम अमल से ये साबित नहीं करेंगे कि हम इमाम ज़माना के सिपाही होंगे, तो फिर बातों से भी कुछ नहीं होता। तो हर गुजरते दिन जो है इंशाल्लाह मज़लूमिन की हिमायत भी जारी रहेगा और इमाम के लिए दुआएं और प्रैक्टिकल अमल से भी हम साबित करेंगे कि हम इमाम के सिपाही हैं। इसके तो बहुत सारे दलाइल हैं। पहले तो दलाइल नकली जो होते हैं कुरान से और अहादीस से हम साबित करेंगे कि लवलम यकुन अलहुज्जत लसात अल-अर्ज़ बिअहलिहा, अगर ज़मीन पे खुदा की हुज्जत ना हो तो ये ज़मीन मिट जाती है। इसी तरह अगर इस वक्त नबूवत और रिसालत के बाद एक इमाम ना हो तो ये ज़मीन जो है मिट जाएगी और एक सेकंड के लिए भी ये बाकी नहीं रहेगी। तो हम बहुत सारे यानी अकली दलाइल के बाद नकली दलाइल के बाद अकली दलाइल से साबित करेंगे कि इमाम ज़माना का होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, मौला की आप किस तरह मदद करेंगे? मौला का दुरूद होगा तो मौला को हम लबैक करेंगे, जैसे भी मौला कहेंगे हम लबैक करेंगे जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मौला का ज़हूर हो जाए? बिल्कुल, ये कौन बदनसीब होगा जो नहीं चाहता होगा कि हमारा मौला का ज़हूर ना हो हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, मौला का ज़हूर भी होने की दुआ मांगते हैं, मौला की आमद की दुआ मांगते हैं? जी जी जी, बिल्कुल तैयार हैं। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर क्या काम करते हैं, अमूमी ज़िंदगी में क्या काम करते हैं? हमसे तो जो जितनी अच्छाई हो सकती है करते हैं, ताकि आगे हमारी जो है ना मुश्किल आसान हो, ठीक है, ताकि इमाम का ज़हूर जल्द हो जाए तो वो तो इससे अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे अमाल करते हैं, किसी से बदनीयत से नहीं पेश आते या किसी से गुस्से से पेश नहीं आते, क्योंकि हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में तो ये तो चीज़ है ही नहीं। इस ज़माने में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ हम करते हैं, मौला के ज़हूर क्यों ज़रूरी है? सर, दुनिया ही उन्हीं से कायम और दायम है, दुनिया ही उन्हीं के इंतज़ार में, वो आएंगे तो जो कयामत बरपा होगी, उससे पहले कयामत ही नहीं है। और जो आसार हैं और जो दुनिया जिस रुख पे जा रही है, ज़हूर से बहुत ज़्यादा करीब से करीब तर होते जा रहे हैं हम। मौला के ज़हूर के लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है? सर, दुआओं का तो हमें जब कहा गया, जब कुरान में कहा गया, जब हज़रत रसूल अल्लाह पे कुरान नाजिल हुआ तो उन्होंने कहा कि कयामत तुमसे बहुत करीब है, जब कुरान में कहा गया कि बहुत करीब है और इतना दौरानिया गुजर गया है, तो उसका हल इमाम ने जो बताया है वो दुआ ही बताया है कि दुआओं से ही जो है वो क्या नाम है इमाम का ज़हूर होगा, और उनकी मार्फत के लिए हमें कुछ अमल इकदाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो है वो उनका ज़हूर जो है वो राहें हमवार होंगी उसके ज़हूर के लिए। ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए आपने हरम में दुआ की? दुआ की है माशाल्लाह। और उनके ज़हूर के लिए भी दुआ की? उनके ज़हूर के लिए भी दुआ की। और अगर मौला ज़हूर फरमा लें तो आप उनकी कैसे मदद? तो मैं उनकी मदद करूँगा, मैं जैसी हालत में भी मुझे पुकारेंगे मैं उनके लिए इंशाल्लाह हाजिर हूँ, मैं अपनी जान से, तन से, मन से, धन से। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हैबत में हमारी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बड़ी ज़िम्मेदारी तो यह है कि हम हक का साथ दें और ये बुराई के खिलाफ जो है जंग करें।